बढ़िया सुंदरता लगेगी। जब देखो माई सुंदरता की सीमा, राधा 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 रटोगे तो आपके नेत्र सुंदर हो जाएंगे, आपकी वाणी सुंदर हो, आपके विचार सुंदर हो जाएंगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और वो अच्छा लगना निष्काम होगा, वो गंदी गंदी वृत्ति नहीं पैदा करेगा। जब बनावट जैसे बाहर की जाती है, तो बाहर की बनावट में अपने अंदर भी अहमता पुष्ट होती है और वो दूसरे के अंदर भी कामना प्रकट करने वाला होता है। तो जहाँ पूछा है, अध्यात्म मार्ग का यह मंच है, इसलिए हमें लगता है उचित श्रृंगार जैसे माताओं बहनों के लिए है, तो उचित श्रृंगार अपने धर्म की सीमा के अंतर्गत, फिर मंगल में कोई परेशानी नहीं। हमें दूसरे के दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। ज्यादा बनावटीपन करने से शरीर में आसक्ति बढ़ती है, शरीर आसक्ति फिर कामनाओं को बढ़ने के बहुत चांस देते हैं। दूसरे भी देखकर कामना करते हैं और हमारे अंदर भी कामना आती है। उचित संग, जैसे आप गृहस्थ में हैं, तो उचित पहनावा पहनिए, उचित श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। अब उसमें थोड़ी कि हमारी तरह आप रज लपेट करके, ऐसे नहीं, आप उचित श्रृंगार, पर इतना बनावटीपन ना आ जाए कि जिससे दूसरे का मन आकर्षित हो और हमारा मन भी कामनाओं में फंसने लगे। देखो, देह तो हम है नहीं, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वांग मिला है। अब जैसा आपका रूप है, आप शीशा से में जैसे देखते हैं ना, अब ज्यादा उसमें बनावटीपन करेंगे तो बार बार देखोगे, वो आसक्ति इसी में बढ़ेगी। और हमारा मानव देह मिला है इससे आसक्ति हटाने के लिए।